आखिर क्या था उस लड़की के चेहरे का राज? मेरी मम्मी एक दिन घर के कामों के लिए एक अजीब सी लड़की को घर ले आई, जो हर वक्त मास्क लगाए रखती थी। वह लड़की सख्त गर्मी में भी किचन में काम करते हुए अपना चेहरा ढक कर रखती थी। मुझे शक हुआ कि आखिर ऐसा क्या है उसके चेहरे में, इसलिए मैं उसके कमरे में छुप गया। लेकिन जैसे ही वह कमरे में आई और मास्क उतारा तो मेरी चीख निकल गई। मेरा नाम पंकज है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। घर में सिर्फ मैं और मेरी माँ ही होते थे, पापा परदेश में काम करते थे। कुछ दिनों से मुझे मम्मी की हरकतें बहुत अजीब सी लग रही थी। वह बाहर जाती थी और वापस आकर घंटों सोचती रहती थी और गुमसुम रहती। मैंने कई बार जानने की कोशिश की कि वह किससे मिलने जाती है, मगर वह मुझे नहीं बताती थी। एक दिन मैंने माँ को बताया कि आज कॉलेज में एक्स्ट्रा क्लास है, मैं शाम को घर आऊँगा। मगर कॉलेज में कुछ घंटों बाद ही मेरी तबीयत खराब होना शुरू हो गई तो मैं घर आ गया ताकि आराम कर सकूं। मगर घर पहुँचते ही एक खबर मेरा इंतजार कर रही थी। हमारे घर में एक औरत अपनी बेटी के साथ आई हुई थी। कुछ घंटों बाद वह औरत तो वापस चली गई, मगर अपनी बेटी को हमारे घर पर ही छोड़ गई। वह लड़की कम से कम 20 साल की थी और आंखों से लगता था कि बहुत ही खूबसूरत है। मैं इंतजार करता रहा कि वह कब मास्क हटाए तो मैं उसका चेहरा देख सकूं, मगर उसने मास्क ही नहीं हटाया। अब वह हमारे घर में ही रहती थी। मम्मी ने उसको ऊपर वाला कमरा दे दिया था। वह उस लड़की से बहुत प्यार करती थी और अक्सर उसके साथ बाहर चली जाती और उसे ढेर सारी चीजें दिलाती। जब भी वह बाहर से आती, उसके हाथ में बहुत सारे थैले होते। मुझे गुस्सा आता, आखिर कौन है ये लड़की जिसे मम्मी इतना सर पर बिठा रही है। मम्मी बस इतना ही कहती कि यह लड़की जो भी है, मैं इससे दूर रहूं। मुझे वैसे तो उस लड़की से कोई मतलब नहीं था, मगर उसके हर वक्त मास्क में रहने वाली आदत मुझे शक में डाल देती थी। कभी कभी तो मैं सोचने लगता था कि उसे मास्क लगाकर गर्मी नहीं लगती। या खैर, फिर एक दिन मैंने उस लड़की से पूछ ही लिया कि तुम हर वक्त मास्क में क्यों घूमती रहती हो। मेरे पूछने पर वह घबरा सी गई और बजाय जवाब देने के डर कर भाग गई। अब वह घर के सारे काम करती थी, खाना भी वही बनाती थी, उसके हाथ में बहुत जायका था। एक दिन मुझे ख्याल आया कि किचन में तो इतनी गर्मी होती है, वहाँ तो वह मास्क नहीं पहनती होगी, किसी दिन अचानक से उसका चेहरा देख लूँगा। माँ ने मुझे मना कर रखा था कि जब तक वह किचन में खाना बनाएगी तब तक हम में से कोई वहाँ नहीं जाएगा। इसलिए एक दिन जब वह खाना बना रही थी, मैं चुपके से किचन में चला गया। उसका चेहरा दूसरी तरफ था और उसने मास्क उतार कर सिंक के पास रखा हुआ था। मैंने जल्दी से मास्क उठाया और कहा, अब तो तुम्हें अपना चेहरा दिखाना ही होगा। उसने मेरी आवाज सुनकर जल्दी से दुपट्टे का घूंघट निकाल लिया और वहाँ से भाग कर कमरे में चली गई। बाद में मुझे माँ से बहुत डांट पड़ी कि जब मैंने तुम्हें वहाँ जाने के लिए मना किया था तो तुम वहाँ क्यों गए थे। मुझे भी अब जिद हो गई थी कि किसी भी तरह उसका चेहरा देख कर ही रहूँगा। आखिर क्या है उसके चेहरे में जो वह उसे हर वक्त छुपाती है। मुझे वह लड़की बहुत बुरी लगने लगी थी। एक दिन वह बाहर थी तो मैं जल्दी से उसके कमरे में जाकर छुप गया। कुछ देर बाद वह कमरे में सोने के लिए आई। जैसे ही उसने अपना मास्क उतारा तो पूरे कमरे में मेरी चीखें गूंजने लगी। वह एक निहायत ही बदसूरत लड़की थी। आंखों से नीचे उसका सारा चेहरा बहुत बुरी तरह से जला हुआ था। मेरी चीखें सुनकर सब घर वाले इकट्ठे हो गए। मेरे चाचा की लड़की ने जल्दी से उसका चेहरा दोबारा से ढक दिया। माँ मुझे बाजू से पकड़कर कमरे में ले गई और डांटने लगी कि मुझे उसका राज यूं नहीं जानना चाहिए था। मैंने माँ से पूछा, इसमें गलत क्या है, वह आपकी लगती क्या है। मम्मी कहने लगी कि वह मेरी सहेली की बेटी है। मैं यह सुनकर हैरान रह गया कि मम्मी की सहेली की बेटी का
हमारे घर में क्या काम है? आखिर इतने दिनों से ये हमारे घर में क्यों रह रही है? मेरी मम्मी की तो सिर्फ एक ही सहेली थी, लेकिन इन दोनों में मोहब्बत बहुत थी। मैं बहुत छोटा था जब मैंने मम्मी की सहेली को देखा था। बड़ा हुआ तो पता चला कि अब उनका नाम लेना भी घर में मना है। मैं हैरान होता कि मम्मी की सहेली ने ऐसा क्या कर दिया कि ना सिर्फ उन्हें दिल से निकाल दिया, बल्कि उसके बारे में घर में किसी को बात करने से भी मना कर दिया गया। मैंने कई बार मम्मी से पूछने की भी कोशिश की, मगर वह कहती कि वे अब मेरे लिए मर चुकी है। माँ मुझे उसकी कहानी सुनाते हुए कहने लगी कि मेरी सहेली किसी को पसंद करती थी, इसलिए घर से भाग गई। फिर उसके घर वालों ने उसे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, वह भी मुड़कर वापस ना आई। फिर उस दिन सालों बाद वापस आई तो अपनी बेटी को भी साथ लाई। उसके ससुराल वालों ने अभी तक उसे अपनी बहू स्वीकार नहीं किया था। वह मेरी सहेली और उसकी बेटी पर बहुत जुल्म करते थे। उन्होंने ही इस बेचारी बच्ची पर तेजाब फेंक कर इसका चेहरा जला दिया। मेरी सहेली के पास इसके इलाज के लिए पैसे तक नहीं थे, इसलिए वह इसे यहाँ छोड़कर चली गई ताकि मैं इसका इलाज करवा दूँ। मैं इसे बाहर घुमाने फिराने नहीं ले जाती थी, बल्कि इसका इलाज करवाने के लिए ले जाती थी। उसके थैले में खाने पीने की चीजें नहीं बल्कि दवाइयाँ होती थी। यह सब सुनकर मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हुआ और उस लड़की से माफी मांगी। फिर मैंने और माँ ने मिलकर उसका इलाज करवाया और फिर मैंने उससे उसकी रजामंदी से शादी कर ली। मेरे घर वालों ने विरोध तो किया था, लेकिन मैंने सबको सिर्फ एक ही बात कही कि अगर इसकी जगह हमारी बेटी या बहन होती तो आपके जी पर क्या बीतती। और फिर इस बात ने मेरे घर वालों के दिल को नर्म कर दिया। भले ही वो खूबसूरत नहीं है, लेकिन उससे शादी करके मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने एक ऐसी लड़की को सहारा दिया है जिसको लोग दुत्कार कर दूर कर देते थे, और शायद इसी वजह से वो ईश्वर मुझसे प्रसन्न है, क्योंकि आज मेरे पास वो सब कुछ है जिसके अक्सर लोग सिर्फ सपने ही देखते रह जाते हैं। ये सच है कि अगर आप किसी का सहारा बनते हैं, उसकी मदद करते हैं, तो वो ईश्वर भी आपके कर्मों का फल आपको जरूर देता है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि किसी यतीम, लाचार, मजबूर की मदद करके देखें। यकीन मानिए, दिल को बड़ा सुकून मिलता है। धन्यवाद।